पीछे चला पीछे आप पीछे आ जा लो आपको हो गया तो 30 तारीख को लगभग कल रात की घटना है। लगभग 9 बजे के आसपास थानाध्यक्ष सिकरट्टा को एक सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी लोग इकट्ठा हुए हैं और सिकरट्टा ग्राम पड़ता है, वहाँ पर कुछ अपराधी हैं जो इकट्ठा हुए हैं और कुछ बड़ी योजना बना के कुछ करने के चक्कर में। तो उसी के क्रम में इन्होंने सवेना गवाते हुए सीधे वहाँ पर पहुँचे अपने बल के साथ। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो उसमें से वहाँ पर इन पर फायरिंग कर दी गई। जब फायरिंग करी गई तो उसके बाद ये लोग भागने लगे। इन लोगों ने इस तरह छुप के अपनी जान बचाई और उसके बाद पता लगा, गांव वालों द्वारा बताया गया कि इसमें राहुल नाम का एक लड़का है जो मेन था इसमें। फिर जब उसका सत्यापन इन्होंने थानेदार के द्वारा पता लगा कि वो पहले से भी पूर्व में भी इस तरह की घटना करता था, काफ़ी मनबड़ू किस्म का व्यक्ति है। इनको ले जाओ, ये काफ़ी मनबड़ू किस्म का व्यक्ति है, पहले भी इन पर फायरिंग पुलिस पर कर चुका था। हम लोगों को काफ़ी दिनों से तलाश भी थी इसकी, लोगों ने जो टारगेट बनाए थे उसमें भी इसका नाम था। उसी क्रम में 4 लोग पकड़े गए हैं, एक राहुल सिंह, मुन्ना, कुंदन और ओम प्रकाश। इनके पास से एक दुनाली बंदूक, ये सिंगल नाली बंदूक पकड़ी गई है। 12 बोर के 4 खोखे हैं, एक देसी कट्टा है, एक जिंदा कारतूस है 12 बोर का और .315 के 2 जिंदा कारतूस है, एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर, एक बजाज और एक स्प्लेंडर प्रो और एक बजाज की ये मिले हैं। इसमें एक काम बहुत अच्छा किया है SHO ने कि वहाँ ऑलमोस्ट जब पुलिस ने फायरिंग किया था इनकाउंटर, अपना संयम न खोते हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने घेराबंदी करी। जैसे उन्होंने तत्काल इस चीज़ की सूचना SDPO साहब को दी, SDPO की लोगों के द्वारा तुरंत एनफोर्समेंट भेजा गया, अगल बगल के थानों को भेजा गया और इन लोगों ने घेराबंदी करके इन चारों को पकड़ा है। इनके साथ के 2 और व्यक्ति थे जो भागने में सफल हुए हैं, गोलू और पप्पू, इन दोनों को भी चिन्हित कर लिया गया और उनकी भी गिरफ्तारी होगी और हम इसमें स्पीडी ट्रायल करा के इनको केस कराएंगे, क्योंकि पूर्व में भी इन लोगों की यही इतिहास रहा है कि पुलिस को देखते ही फायरिंग करते थे। ठीक, देख रहे हैं उसको केस कर दो। एक चरपोखरी में, सिकरट्टा में 2 हैं, चरपोखरी में भी सेम तरह की घटना थी कि पुलिस को देख